नमस्कार। आज की स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का मैं डॉक्टर निधि स्वागत करती हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है मॉनसून में हम अपने बालों की देखभाल कैसे करें और आयुर्वेद इसमें आपकी हेल्प कैसे कर सकता है। आयुर्वेद में क्या ऐसे रेजिमेंट्स हैं, क्या जनरल हेयर केयर टिप्स हैं जो आपके बालों को इस मौसम में डैमेज से बचा सकते हैं और उन्हें हेल्दी रख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मॉनसून में बारिश में चेंजेस हो क्या रहे हैं। मॉनसून एक ऐसा मौसम है जो कि गर्मी के बाद हमें राहत तो बहुत देता है, जिस गर्मी से हम परेशान हो चुके हैं। बारिश की बूंदें हमें राहत दे रही है, लेकिन क्या हमारे बाल इसके लिए तैयार हैं या फिर वो बहुत ज्यादा डैमेज हो रहे हैं। हम सभी ने सुना है कि बारिश में बाल बहुत जल्दी डैमेज होते हैं, कारण क्या है और हम उसको कैसे रोक सकते हैं, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। मानसून में जो हेयर डैमेज है वो बहुत सिंपल एक ड्राई स्कैल्प से लेकर डैंड्रफ से लेकर सीवियर स्कैल्प इन्फेक्शन तक भी हो सकता है। ये हर किसी की प्रकृति के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है, तो हम कुछ ऐसे प्रॉपर केयर टिप्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपके बालों की हेल्थ को प्रिजर्व करने में आपकी मदद करेंगे। हम इस जो मॉनसून हमारी लेक्चर सीरीज है इसमें हमने पिछला जो सेशन था जो स्किन केयर के बारे में लिया था उसके कुछ थ्रेड्स में यहाँ पर रिकॉल करूंगी, जो कि हमने मॉनसून के बारे में हमारा आयुर्वेद क्या कहता है। तो हमारे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो पूरा ईयर है हम उसको टू मेजर डिविजन्स में बांटते हैं, दक्षिणायन एंड उत्तरायण। सो बेसिकली अगर हम देखें तो फर्स्ट हाफ ऑफ ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टू जुलाई हम बोल सकते हैं ये उत्तरायण होता है, और सेकेंड हाफ दैट इज दक्षिणायन। तो उत्तरायण का एंड इज स्टार्टिंग ऑफ मॉनसून एंड इट्स ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ दक्षिणायन। उत्तरायण में हमारी जो जनरल स्टेमिना है, जो जनरल कैपेसिटी है वो वीक होती है, क्योंकि गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है और हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ कम होती है। तो बारिश का मौसम जब स्टार्ट हुआ हमारी बॉडी विद मिनिमम एनर्जी और वीक डाइजेशन के साथ इस मौसम से कैसे स्ट्रगल करेगी, इसके लिए हमें तैयार होना है। आयुर्वेदिक दोषास के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इस मौसम में वात दोष है वो बहुत ज्यादा एग्रेवेट होने लगता है, तो वातस डिसऑर्डर्स वो प्रेवेलेंट हो जाते हैं, और पित्त जो पित्त दोष है वो एक्यूमुलेट होने लगता है, वो एग्रेवेट नहीं होता है, उसका नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा एक्यूमुलेशन हो रहा है, लेकिन एग्रेवेशन अभी वात दोष का होता है। ये जो सीजन है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग 2 मंथ्स के लिए स्पेसिफाइड है, बट अगर आप किसी और रीजन में रह रहे हैं जहाँ पे ऐसा होता है कि कई ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे गर्मी 8 मंथ्स तक है या फिर बारिश 4 या 6 मंथ्स तक है, तो आप जो मॉनसून रेजिमेन है उसको आप उतने टाइम तक के लिए फॉलो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें इन्हें सिर्फ 2 मंथ्स तक ही लिमिटेड रखना है। जैसा आपके जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ का वेदर, क्लाइमेट और वहाँ की कंडीशन क्या है और वहाँ ह्यूमिडिटी का लेवल क्या है। कुछ जगहों पर अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा प्रेवलेंट है तो आप इस रेजिमेंट को ज्यादा लंबे समय तक भी फॉलो कर सकते हैं। हम देखेंगे अब बारिश में कॉमन हेयर प्रॉब्लम्स क्या होती है। कॉमनली बालों में क्या होता है, इची स्कैल्प है, बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लगा है, डैंड्रफ बढ़ जाता है। डैंड्रफ सिंपल ड्राइनेस भी हो सकती है, लेकिन एक फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो डैंड्रफ बहुत ज्यादा इस मौसम में हमें परेशान करता है। जो हमारे बाल है रूखे और बेजान होने लगते हैं, फ्रिजी होने लगते हैं, तो ये सारी जो परेशानियां हैं बारिश में बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इनसे हम कैसे बच सकते हैं, उसके लिए हम पहले ये समझे कि आयुर्वेद में बाल जो है वो है क्या, उसको मैं एक छोटे से स्लाइड में आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि हमारी बॉडीज में अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, आपने त्रिदोष पढ़ा होगा, कंसेप्ट सुना होगा, बहुत फेमस कंसेप्ट है त्रिदोष वात पित्त कफ, एंड उसके साथ में सप्त धातु कंसेप्ट भी है। सप्त धातु दैट मींस 7 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर बॉडी। तो जो सप्त धातु है उसमें एक धातु है अस्थि धातु, जैसे कि बोन टिश्यू, उसके जब फर्दर
डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म होता है, तो उससे कुछ नेक्स्ट धातु का प्रिकर्सर है वो बनेगा एंड कुछ उसके बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। बाय प्रोडक्ट्स कुछ सुपीरियर बाय प्रोडक्ट्स हैं और कुछ इंफीरियर बाय प्रोडक्ट्स। तो इंफीरियर बाय प्रोडक्ट्स को आयुर्वेद में मल क्या कहा जाता है। और अस्थि धातु की अगर हम मल की बात करें तो हेयर एंड नेल्स आर मल ऑफ अस्थि धातु, दैट मीन्स दे आर द इंफीरियर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ बोन टिश्यू। तो हम जब भी बात करेंगे बालों के बारे में, बोनी टिश्यू हमेशा उसके साथ कनेक्टेड रहेगा हमारे थॉट्स में और कंसेप्ट में। जब हम उसके डिसऑर्डर्स की चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं बोन रिलेटेड जो एनोमलीज हैं हम उनको भी ध्यान में रखेंगे, उसका नरिशमेंट ध्यान रखेंगे और बोनी टिश्यू की हेल्थ और नरिशमेंट पे भी फोकस करेंगे। क्योंकि अगर बोनी टिश्यू हमारा हेल्दी है तो हमारे हेयर भी हेल्दी रहेंगे, नेल्स भी हेल्दी रहेंगे। इसके बाद हम ये देखें कि हमारे जो हेयर है वो हर किसी के सेम नहीं होते हैं। किसी के बहुत अलग, बहुत ज्यादा रूखे रहते हैं, किसी के बहुत ऑयली रहते हैं। तो ऐसा डिफरेंस क्यों आता है? ऐसा डिफरेंस क्यों इसलिए आएगा क्योंकि हम सबकी प्रकृति अलग अलग है। आयुर्वेद प्रकृति के कंसेप्ट को मानता है और आयुर्वेद में हम जो भी चर्चा करेंगे वो हम प्रकृति बेसिस पर ही करते हैं। तो जब हम बात हेयर केयर की करेंगे तो इसमें भी प्रकृति का कंसेप्ट आएगा। हमें ये समझना होगा हेयर केयर से पहले कि हमारे बाल हैं किस प्रकृति के। हम जो बेसिक हमारी तीन प्रकृति हैं, वात पित्त एंड कफ प्रकृति, उनके अकॉर्डिंग हमारे बालों के कुछ जो कैरेक्टर्स हैं स्पेसिफिकली जो हम आसानी से समझ सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो हम सबसे पहले बात करें वात प्रकृति की। वात प्रकृति के जो बाल हैं वो ज्यादातर रफ होंगे, ड्राई रफ और बहुत पतले, जो थिन बोल सकते हैं हम उसको, इसकी डेंसिटी बहुत थिन होगी, कोर्स होंगे, स्पार्स होंगे और ब्राउन एंड या ग्रेश कलर के बाल होंगे। जो ड्राई एंड फिजी हेयर है उनको हम वात प्रकृति का बोल सकते हैं। पित्त प्रकृति की हम अगर बात करें तो लाइट रेडिश कलर के ऐसे बालों को हम पित्त प्रकृति में लेते हैं। ये सॉफ्ट एंड थिन होंगे और इनमें अर्ली ग्रे यानी जल्दी ग्रे होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो अगर आप अपनी प्रकृति के कंसेप्ट को समझते हैं तो आप इस चेंज के लिए पहले से अलर्ट हो सकते हैं एंड टाइमली आप इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए लेकिन अपनी प्रकृति का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर आती है कफ प्रकृति। कफ प्रकृति के बाल बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे हम टीवी एड्स में, कमर्शियल्स में देखते हैं, थिक ग्लॉसी एंड शाइनी एंड वेवी, जिसको बोले हम काले घने लंबे बाल, जो कि हर किसी की चाहत होती है। ऐसे बाल जिसके होते हैं उन्हें हम कफ प्रकृति के बाल बोलते हैं। तो ये हमारी बेसिक प्रकृति के अकॉर्डिंग हेयर टाइप्स हैं। आप सबसे पहले अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग अपना हेयर टाइप समझिए, उसके बाद उनकी देखभाल कैसे करनी है वो हम बात करेंगे। प्रकृति स्पेसिफिक रेजिमेन जो मैं आगे बताने जा रही हूँ आप उसको समझिए और उसको आप फॉलो कीजिए। उससे पहले है कुछ जनरल केयर टिप्स। जनरल केयर टिप्स में ऐसा है कि आप चाहे किसी भी प्रकृति के हैं, आपके बाल कैसे भी क्वालिटी के हैं, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। इनमें कुछ इजी टिप्स हैं जिनको आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली इन मॉनसून आपको इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि बारिश में हम जब भीगेंगे तो हमें अपने बालों को बहुत ज्यादा देर तक गीला नहीं रखना है। अगर बारिश में भीग भी गए हैं तो आपको क्या करना है, वापस आके अपने प्लेन वाटर से या साफ पानी से घर पर एक बार और बालों को धोना है। आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं एक बार हम अरे बाल गीले हो चुके हैं तो लेट इट बी लाइक दिस, या फिर हम उनको सीधा ड्राई कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप ड्राई करने से पहले एक बार उनको प्लेन वाटर से धोइए क्योंकि बारिश के पानी में काफी इम्प्योरिटीज होती है एंड अल्टीमेटली वो आपको स्कैल्प इन्फेक्शन भी दे सकती हैं, डैंड्रफ भी दे सकती हैं। तो ये हमें अवॉइड करना है। कभी भी गीले बालों को आपको जोर से कंघी नहीं करना है, सिर्फ अपनी उंगलियों की मदद से आप जेंटली उनको सुलझा सकते हैं। आप जब भी हेयर वॉश करें तो उसको एक टॉल को स्टीम, वेट स्टीम में उसको भिगोकर उसको अपने बालों को स्टीम दे सकते हैं। इससे भी आपके बालों को की जड़ों को और उनके जो लेंथ में कोई स्प्लिट एंड्स है या कोई ड्राइनेस है उसको आराम मिलेगा।
आप हमेशा अपने हेयर को स्कैल्प को क्लीन रखने की कोशिश करें, ज्यादा फ्रीक्वेंटली आप उनको वॉश भी ना करें, और बहुत टाइमली भी, ऐसा भी ना हो कि बहुत ज्यादा टाइम इंटरवल के बाद वॉश करें। तो एक रेजिमेंट फॉलो करना है। ये रेजिमेंट क्या बताता है कि हम क्या क्या जनरल टिप्स हम फॉलो कर सकते हैं। ऑयलिंग, हेयर पैक एंड क्लींजिंग। ऑयलिंग सबसे पहला स्टेप हम कह सकते हैं, बालों में तेल डालना। ये बहुत ही सिंपल मेजर है जो हम हर कोई इसे करता है, बट कैसे करना है और हर प्रकृति के हिसाब से कैसे करना है, क्योंकि बालों में तेल तो हम बचपन से डालते आ रहे हैं, पर इसका सही तरीका क्या है, हम अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग कौन से तेल यूज करें, हमारा तरीका क्या हो, ऑयल का टेम्परेचर क्या हो, ये हमें कौन बताएगा, आयुर्वेद का हमारा प्रकृति एनालिसिस। तो आगे हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक प्रकृति के थ्रू आपको हेयर केयर रेजिमेंट कैसा रखना है। सबसे पहले हम बात करें वात प्रकृति की। तो हम देख चुके हैं कि वात प्रकृति के हेयर थिन और ड्राई हैं, उनके लिए ऑयलिंग का तरीका क्या होना चाहिए। ऑयलिंग, उसको हम आयुर्वेद में शिरोभ्यंग बोलते हैं। ऑयलिंग जो हम वातज हेयर में करेंगे, हम 3 to 4 times a week कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आपको हर ऑल्टरनेट डे आप ऑयलिंग कर सकते हो, बट ऑयल आपको कंटिन्यूअसली लगा के नहीं रखना है। ये चीज याद रखनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जनरल थॉट ये होता है कि हम हमेशा अपने बालों को ऑयल सोक्ड रखें तो उससे हमारे बालों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, बट ऐसा नहीं है। बारिश में हमारे बाल ह्यूमिडिटी की वजह से डर्ट भी अट्रैक्ट करते हैं, आसपास गंदगी है, एसिडिक रेन वाटर है, ये सब अगर हमारे ऑयली स्कैल्प में जाएगा तो वो हमारे बालों की हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो हमें क्या करना है, ऑयलिंग फ्रिक्वेंटली करनी है, बट ऑयल को ज्यादा रखना नहीं है बालों में। आप उसको ओवरनाइट रखिए, मसाज कीजिए एंड उसके बाद अगले दिन आप धो सकते हैं, बट 3 to 4 times a week इसको आप कोशिश करिए। वातज प्रकृति में गर्म तेल आप यूज करेंगे तो बेटर होगा। ये गर्म तेल इस प्रकृति के लिए बेनिफिशियल है। तो अगर आप जो भी ऑयल यूज कर रहे हैं, इन जनरल आप अपना कोई कॉस्मेटिक ऑयल यूज कर सकते हैं, या फिर जैसे बेनिफिशियल ऑयल्स हैं इस प्रकृति के लिए, ऑलिव ऑयल या सीसेम ऑयल, आप ये भी यूज कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस पर है, पर जो भी ऑयल आप यूज कर रहे हैं आपको थोड़ा सा उसे ल्यूकवॉर्म करके ही यूज करना चाहिए। फिर ऑयलिंग के बाद एक नेक्स्ट स्टेप होता है शिरोलेप, दैट इज हेयर पैक। हेयर पैक क्या है, आप अपने बालों को जैसा एक पेस्ट, आप फेस पैक लगाते हो, एक पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी का जो आपका हर्बल हर्ब्स हैं और उसमें अदर इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके साथ एक पेस्ट बनाते हो और उसको आप अपने बालों पर लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। वो टाइम आधा घंटा से 1 घंटे के बीच का होना चाहिए प्रेफरेबली। उसको जब वो हल्का ड्राई होने लगे तब आप उसको वॉश कर लीजिए। इसमें आप जो हर्ब्स यूज कर सकते हैं स्पेशली फॉर वात प्रकृति, ब्राह्मी, यष्टि मधु, भृंगराज, मेथी, इनमें से आप कोई भी हर्ब यूज कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस पर डिपेंडेंट है, आपको या फिर आपके पास जो रेडिली अवेलेबल है इनमें से कोई भी एक हो, या आंवला है, या जो भी चीज है आप इजीली अरेंज कर सकते हैं, आप उनका हेयर पैक बना सकते हैं। हेयर पैक लगाने के बाद आपको धोना है। क्लींजिंग, नेक्स्ट स्टेप आता है क्लींजिंग, दैट इज शिरो प्रक्षालन। इसमें आपको क्या करना है, आप मेडिकेटेड वाटर भी यूज कर सकते हो। क्लींजिंग मीन्स जस्ट आप अपने बालों को, आपने अगर कुछ भी लगाया है, चाहे आपने ऑयल लगाया है या डायरेक्टली आपने हेयर पैक लगाया है, उसको हम क्लीन करने वाले हैं। तो आपको इसमें सिर्फ एक सिंपल, आप हर्बल डिकॉक्शन ले सकते हो। आप 1 स्पून में कोई भी जो हर्बल पाउडर है, जैसे कि इस प्रकृति में भृंगराज या बला, नीलिनी, या जो मैंने ऊपर हर्ब्स बताए हैं, ब्राह्मी, यष्टि मधु, इनमें से कोई भी हर्ब का 1 स्पून आप पाउडर ले सकते हो। आप वाटर में उसका डिकॉक्शन बना सकते हो और उससे आप अपने बालों को वॉश करना है। उसके बाद आप अगर मेडिकेटेड वाटर से वॉश कर रहे हैं तो आपको इसके बाद प्लेन वाटर से भी वॉश करना है। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप हेयर पैक के बाद डायरेक्टली क्लीन वाटर से ही आप अपने बालों को वॉश कर सकते हो। तो ये आपकी चॉइस, आपकी कंफर्ट, इस पर डिपेंडेंट है कि आप कैसे अपने बालों के लिए क्लींजिंग वाला स्टेप करते हैं। ये बात हमने की है बात प्रकृति के लिए।
अब हम देखते हैं पित्त प्रकृति वालों के लिए हम कैसे इस रेजिमेन को फॉलो करेंगे। ऑयली हम पित्त प्रकृति वालों के लिए सजेस्ट करेंगे कि आप हफ्ते में 2 या 3 बार करें, इतना फ्रीक्वेंटली नहीं करना है जितना वातस प्रकृति का करना है। तो अगर आपके हेयर पित्त प्रकृति के हैं तो आप वीकली 2x or 3x ऑयलिंग कर सकते हैं। इसमें भी आपको ज्यादा 1 दिन से ज्यादा नहीं रखना है ऑयल को। ऑयल का टेम्परेचर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि वातस जो हेयर थे हमने थोड़ा ल्यूकवॉर्म लिया था, थोड़ा गुनगुना ऑयल लिया था, बट पित्त प्रकृति में हमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ऑयल लेना है। इसमें हम कोकोनट ऑयल या आंवला ऑयल यूज कर सकते हैं, ये पित्त प्रकृति के लिए बेनिफिशियल ऑयल्स हैं। सेम प्रोसेस हेयर पैक की आती है, तो हेयर पैक के लिए आप इसको रोज वाटर में बना सकते हैं या फिर प्लेन वाटर में बना सकते हैं। हर्ब्स जो आप इस प्रकृति में यूज कर सकते हैं वो मेहंदी, आंवला ये यूज कर सकते हैं। तो ये जो हेयर पैक है ये आपको पित्त प्रकृति के लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट आता है जो क्लींजिंग है, इसमें भी आपको प्रोसेस वही सेम है कि आप मेडिकेटेड वाटर को यूज करें। इन हर्ब्स का आप डिकॉक्शन बना सकते हैं, 1 teaspoon आप पाउडर लें, उसे 1 liter के करीब पानी में आप उबाल के ठंडा कर लीजिए और उसको छान कर आप उसे पहले आप उससे अपने बालों को क्लीन करिए, उसके बाद आप नॉर्मल प्लेन वाटर से अपने बालों को क्लीन कीजिए। प्लेन वाटर से क्लीन करना हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपका कोई भी जो हर्बल प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं या पाउडर फॉर्म में यूज कर रहे हैं या फिर हम पेस्ट फॉर्म में यूज कर रहे हैं, उसका पूरी तरह क्लीन होना बहुत जरूरी है। तो हम ये जरूर इंश्योर करें कि हमने हेयर पैक किया है तो उसके बाद हम क्लींजिंग प्रॉपर प्लेन वाटर से जरूर करें। उसके बाद हम बात करेंगे कफ प्रकृति की। कफ प्रकृति में जो ऑयलिंग है उसमें हमें इतनी ज्यादा ऑयलिंग रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि कफज प्रकृति ऑलरेडी ऑयल के लिए ज्यादा प्रोन नहीं है। आप ऑयलिंग ज्यादा करेंगे तो उसमें उसका जो ऑलरेडी ऑयल रिच कंटेंट है तो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना है, जितनी ऑयलिंग वात प्रकृति में रिक्वायर्ड है उतनी हमें कफ प्रकृति में नहीं करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हेयर पैक जो हम करेंगे वो योगर्ट में बना सकते हैं या हम बेसन में बना सकते हैं, ये हमें हमारी कफ प्रकृति के लिए बेनिफिशियल होगा। आप कोई भी प्रकृति के हैं आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है आप तीनों करना भी चाहे तीनों कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर डिपेंडेंट है। या फिर आप किसी एक प्रोसेस को स्किप करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली ऑयलिंग के बाद क्लींजिंग करना चाहते हैं तो आप ऑयलिंग के बाद डायरेक्ट क्लींजिंग भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप तीनों करें तो तीनों कर सकते हैं, या फिर आप हेयर पैक को स्किप करें या फिर ऑयलिंग को स्किप करें, बट क्लींजिंग एक मस्ट ऑप्शन है। तो आपको क्लींजिंग जरूर करनी है चाहे आप कोई भी तरीका इसका यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम अगर बात करें तो कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये हेयर केयर रेजिमेन तो आपको फॉलो करना ही है उसके बाद, लेकिन हमें इंटरनल नरिशमेंट पे भी ध्यान देना है। अगर हम सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशंस पे ही ध्यान देंगे और इंटरनली हमने नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं किया तो हमारे बाल टेम्पररी हेल्थ स्टेट को तो जरूर पहुंच जाएंगे बट परमानेंटली हेल्दी नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है, कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जैसे मुनक्का है, ड्राई फ्रूट्स में आप मुनक्का ले सकते हो, स्प्राउट्स ले सकते हो, प्रोटीन रिच कंटेंट आपको लेना है या आपको ज्यादा प्रेफर करना है कि आप अपनी डाइट में ये कंटेंट्स शामिल करें, ये आपको फॉलो करना है और एक प्रॉपर प्लान आपको अपने हेयर केयर के लिए रेजिमेन बनाना चाहिए जिससे कि आपके बाल हेल्दी रहे। इसके बाद ये सारी हमारा मेन हेयर केयर रेजिमेन है, बट कुछ एसोसिएटेड कॉन्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं जैसे कि स्ट्रेस एंड स्लीप। आपने ये सारा जो रेजिमेन फॉलो किया बट हमारे कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनको हमने ओवरलुक किया या ध्यान नहीं दिया वो भी हमारे हेयर प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तो हमें एक चीज है जिस पे हमें ध्यान देना है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड स्लीप सफिशिएंसी। स्ट्रेस क्या है, एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है पुअर हेल्थ
कंडीशन में, और अगर पुअर हेल्थ हमारी बॉडी की है तो इन जनरल वो हेयर की हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा. तो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है योगा मेडिटेशन के थ्रू. ये हमें अपना, आप कोई भी एक्टिविटी ऐसा चुन सकते हो जो भी आपका वर्क रिलेटेड या पर्सनल लाइफ का जो भी स्ट्रेस है उसको आप थोड़ा कम करने की कोशिश कर सकते हो. उसके अलावा स्लीप सफिशियंसी, स्लीप सफिशियंसी इज अ मस्ट, क्योंकि स्लीप ही वो टाइम है जब हमारी बॉडी अपने डैमेज को रिपेयर कर रही है. तो अगर हम प्रॉपर टाइम पे स्लीप नहीं करते हैं तो हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने से हमारा ओवरऑल नरिशमेंट स्टेटस वो भी कम हो जाता है, जिसका असर हमें अपने बालों पे दिखता है. तो हमें क्या करना है कि हमें बालों की हेल्थ के लिए काफी सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट हेल्दी डाइट ओनली, हमें डाइट भी मेंटेन करनी है, हमें हमारी लाइफस्टाइल में स्लीप और स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करना है, प्लस हमने अपनी प्रकृति को देखना है. उसके अकॉर्डिंग जो हमारे लिए बेनिफिशियल हर्ब्स हैं, जो बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं, आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं तो आप उनको भी अपनी प्रकृति के अनुसार चूज कर सकते हैं, या फिर आप हर्बल प्रोडक्ट्स को भी डायरेक्टली चूज करते हैं. तो सबसे पहले जैसे हमने बताया प्रीवियस स्लाइड्स में, आपने अपनी प्रकृति का एनालिसिस करना है. उसके बाद आपको अगर ये स्टेप आप क्लियर कर लेते हैं, आपको पता चलता है कि आपकी प्रकृति किस प्रकृति के बाल हैं, तो आपको हेयर केयर रेजिमेन भी उसी के अनुसार फॉलो करना है. कोई बेसिक टिप्स है जो आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है. इसमें हम इन जनरल यही बात करेंगे कि आपको जनरल टिप्स भी फॉलो करना चाहिए, प्लस आपको जो स्पेशल केयर टिप्स हमने बताई हैं एज पर प्रकृति वो जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये जो हर्ब्स है ये प्रकृति स्पेसिफिक है. आपको अगर ज्यादा इसके बारे में नहीं पता है तो आप कुछ जनरल हर्ब्स है जैसे त्रिफला है या आंवला है, आप ये इन जनरल किसी भी प्रकृति में यूज कर सकते हैं. तो इसमें एज सच कोई कंपल्शन ये नहीं है कि आपको सिर्फ यही इंग्रेडिएंट यूज करना है. हमारे पास हर्ब्स में हमने 2 से 3 ऑप्शंस बताए हैं, जो आपके पास इजीली अवेलेबल ऑप्शन है आप उसको यूज करिए. प्लस अपने बालों की जो हेल्थ के लिए हमने जनरल टिप्स बताए हैं, डूज एंड डोंट्स बताए हैं इस बारिश के मौसम के लिए, आप उनको फॉलो करिए, तभी हम एंश्योर कर सकते हैं कि आपके बाल एक सही हेल्थ स्टेटस में रहे. मॉनसून जैसा मौसम जिससे कि सभी डरते हैं बालों के लिए, वो आपके बालों को नुकसान ना पहुंचा पाए. आप इस मौसम में भी आपके बाल अगर हेल्दी हैं तो इसके लिए आप इतना आयुर्वेद के सिंपल टिप्स को यूज कीजिए और अपने बालों को हेल्दी बनाए रखिए. ऐसा अगर आप करते हैं तो आप अपने बालों की हेल्थ से आप खुद भी खुश होंगे एंड आप कॉन्फिडेंट होंगे, या आपको कॉन्फिडेंट हेयर एंड कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी प्रोवाइड करेगा, और अपने बालों की हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना होगा. तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही. अगली बार हम फिर मिलते हैं एक स्वास्थ्य चर्चा में. उस तब तक के लिए धन्यवाद. आप स्वस्थ रहिए, अपने बालों का ख्याल रखिए और आयुर्वेद के इन टिप्स को फॉलो करते रहिए. धन्यवाद.